रक्स, नारे और पार्टी नगमों के तड़के, PS 114 कराची के जिमनी इलेक्शन की मुहिम खत्म। पीपल्स पार्टी, MKM, तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की वोटर्स को राम करने के लिए कोशिशें। बेगुनाहों के खून ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। जो कहते थे कि मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए, आज ना तो उनके पास रहनुमा है और ना ही कोई मंजिल रही है। ये कटी फटी पतंग है। कटी फटी पतंग पर तीर चलेगा, खान साहब की तब्दीली ट्विटर तक महदूद। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत का निजाम अपने रिश्तेदार को दे दिया। बिलावल की तनकीद, इमरान और नवाज शरीफ एक ही सिक्के के दो रुख करार। नून लीग पर भी वार। मियां साहब और नून लीग को अगर कोई फिक्र है तो JIT से बचने की, कौम की लूटी हुई दौलत को बचाने की है। PS 114 में कामयाबी की पेशगी मुबारकबाद। 9 जुलाई को ट्रेलर और पूरी फिल्म 2018 में चलेगी। फारूक सत्तार की ललकार। तहरीक इंसाफ की कराची के इलाके महमूदाबाद से डिफेंस तक रैली। कराची में बड़ी तब्दीली, इत्तेहाद की जाने पहला कदम। मुहाजिर कौमी मूवमेंट ने PS 114 के जिमनी इलेक्शन में मुतहदा की हिमायत कर दी। पनामा केस की तहकीकात, कतरी शहजादे का पाकिस्तानी सिफारतखाने आने से एक बार फिर इनकार। महल में आकर बयान लेने की दावत। JIT को हम बिन जासिम का नया जवाब मिल गया। JIT की रिपोर्ट और दासू पावर प्लांट का संगे बुनियाद एक दिन। वजीर आजम का इलेक्शन हारने वाले साजिशी अनासिर को मुकाबले का चैलेंज। हवेली बहादुर शाह पावर प्लांट का इफ्तिताह। नवाज शरीफ का मुकद्दर अडियाला जेल है, पहले 10 अरब रुपए की ऑफर दी और फिर अब केस कर दिया। इस बार सुप्रीम कोर्ट पर अगर हमला किया गया तो कौम बाहर निकलेगी। इमरान खान की ललकार। टैंकर गैर मयारी फिटनेस सर्टिफिकेट जाली, कवानीन पर भी अमल नहीं किया गया। शेल साह ने अहमदपुर शर्किया के जिम्मेदार। ओगरा ने दुनिया न्यूज की तहकीकात की तस्दीक कर दी। इंक्वायरी या फिर समझौता, हुकूमत ने टैक्स दहिंदगान से लिए गए 40 करोड़ रुपए इमदाद में दे दिए। कसूरवार शेल कंपनी पर सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। मुरवत कंपनी से मुतालिक पुरस्कार खामोशी, ये किस तरह का इंसाफ है? अवाम का सवाल। सानेहा अहमदपुर शर्किया का जिम्मेदार कौन? शेल कंपनी से 7 दिन में जवाब तलब। मुल्क में अब तक 1934 का पेट्रोलियम एक्ट नाफिज। गफलत पर पहली बार 500 और दूसरी बार 2000 जुर्माना। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट का इजहार बरहमी। 217 अफराद की मौत पर हुकूमती इदारों की बेहिसी। दुनिया न्यूज के प्रोग्राम 13:05 में तजियाकार हबीब अकरम सानेहे का जिक्र करते हुए आप दीदा हो गए। मानसहरा में इंसानियत की तजलील, बासर अफराद का चरवाहे पर तशद्दुद। बरहना करके वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। क्रैकडाउन, जगह जगह पकड़ धकड़। बाबाए खिदमत अब्दुल सत्तार ईदी की पहली बरसी। कराची के शेल्टर होम में मुकीम बच्चों की फातिहा। 2 जोड़ों में जिंदगी गुजारने वाले की वफात के बाद भी मिशन जारी। हमको लगता नहीं है हमारे से अलग हुए,
हमको लगता है हमारे पास ही मौजूद है। अब वो बहुत अच्छे थे, उनकी याद तो आती है मगर वो हमारे दिलों में भी जिंदा है। एक दफा का खर्चा है लेकिन इंसान को ये सूरत देता है आखिर तक। सोलर पैनल लगाएं, लोड शेडिंग से जान छुड़ाएं। आवाम ने शमसी तवानाई का इस्तेमाल शुरू कर दिया, सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए का खर्चा, बिजली बोहरान से निजात। आर्मी चीफ की कोशिशें, पाकिस्तान में इंटरनेशनल फुटबॉलर्स का मेला सजने को तैयार। रोनाल्डिनो एंड फ्रेंड्स आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। और फुटबॉल सुपरस्टार्स के लिए कराची का अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम तैयार। सफाई सुथराई, रंगो रोगन का काम मुकम्मल, कुर्सियां भी लगा दी गई। इवेंट सक्सेसफुल होता है जो रोनाल्डिनो एंड फ्रेंड्स आने, ठीक है अपनी एक जगह पर फुटबॉल के लेजेंड्स हैं ये वो सब अपनी जगह पर, लेकिन पाकिस्तान का इमेज चेंज हो जाता है।